हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद यतीमन में। जितनी भी सरकारी नौकरी होती हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी होती हैं, वो सभी मैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके। जिन भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो तो वहाँ पर आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में सरकारी नौकरी की, और ये सरकारी नौकरी जो कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में आई हुई है, जिसका वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। 31 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, और अभी जो है वो 31 जुलाई नहीं आई है। आप लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो भरिएगा। सरकारी नौकरी है ये, बहुत अच्छी नौकरी है, और सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके राज्य में ही जो है वो नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है PGT के जो है पद आए हैं 2266। अभी जो है वो TGT और PRT इनके भी जो है वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, मैं आप लोगों के लिए उसी दिन जो है वो वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को समय पर जो है वो पता लग सके। तो यहाँ पर PGT में 2266 पद है, अकाउंटेंट के 361 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 759 पद है, लैब अटेंडेंट के 373 है। टोटल 4062 पदों पर ये वैकेंसी है। यहाँ पर जो है वो PGT में जो है जितने सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और थर्ड लैंग्वेज और कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर सैलरी जो है वो आपको लेवल 8 47,600 से लेकर 1,51,100 तक आपको मिलने वाली है, ठीक है। सरकारी नौकरी है, और जितने भी आपको जो TA DA होते हैं वो सब आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है आवासीय विद्यालय है, यहाँ आपका जो है वो रहना खाना पीना सारा कुछ जो है यहाँ पर फ्री आपको रहने वाला है। इसी तरीके से अकाउंटेंट जो है इनको 35,000 से लेकर जो है वो 1,00,000 तक जो है वो सैलरी मिल रही है, और JSA को यहाँ पर 19,900 से जो है 63,200 तक मिल रही है। लैब अटेंडेंट को जहां पर केवल 12th मांगा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, एज जो है वो क्या रहने वाली है, 50 साल रहने वाली है। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ मास्टर डिग्री विद BEd और 12 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। PGT में यहाँ पर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट आपके सब्जेक्ट में, और साथ में जो है वो BEd मांगा गया है, और यहाँ 40 साल जो है वो आपकी उम्र रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन जो है वो सभी को मिलेगा जो भी आरक्षित वर्ग है। PGT कंप्यूटर साइंस में 40 साल जो है यहाँ रहने वाली है, और यहाँ पर MSc कंप्यूटर साइंस, IT या फिर ME और MTech कंप्यूटर साइंस और IT से आपने किया हो। अकाउंटेंट के लिए 30 साल उम्र रखी गई है, लेकिन यहाँ एज रिलैक्सेशन का अगर आप देखेंगे, महिलाओं का देखेंगे, तो 10 साल की छूट जो है वो हर महिला को मिल रही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। डिग्री ऑफ जो है वो कॉमर्स में होनी चाहिए अकाउंटेंट के लिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JS के लिए 12th मांगा गया है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में जो आपकी 30 वर्ड पर मिनट जो है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। लैब अटेंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 30 साल जो है वो रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो SC ST OBC और अदर कैटेगरी एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल अप टू 55 ईयर फॉर EMRS एम्प्लॉयज, ठीक है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन सभी को मिल रहा है। 10th क्लास जो है वो यहाँ पर पास होना चाहिए सर्टिफिकेट के साथ, डिप्लोमा के साथ, और 12th क्लास अगर साइंस से भी किया है आपने तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पर तो जो है वो हर बच्चा जो है वो भर पाएगा, क्योंकि 10th 12th जो है वो सभी के पास होती है। तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो SC ST जो है 5 साल है, अदर बैकवर्ड क्लासेस 3 साल है, ठीक है। वुमेन को अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया वुमेन ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की हो, यहाँ पर अगर PGT के लिए अप्लाई करना चाहती है तो 10 साल की छूट है, यानी 40 साल तो पहले ही आपको मिल रही है, यहाँ पर 10 साल जो है वो आपको और मिल रही है, यानी 50 साल तक की महिलाएं जो है सभी यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन आपका कैसे होगा, एग्जाम होगा आपका OMR बेस्ड यानी पेन पेपर मोड होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही जो है भाषाओं में होगा। तो आप जो है जिसमें अपने आप को सही महसूस करते हैं तो उसी में आप जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। 130 मार्क्स का जो है वो आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड लैंग्वेज और भाषा का होगा 20 मार्क्स का। PGT के लिए जो फीस है यहाँ पर 1500 रुपए है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपए है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट वैकेंसी के लिए होती है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है फीस रखी गई है।
तो यहाँ पर जो है वो अप्लाई आपको कैसे करना है, तो ये इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस जो है वह भी यहाँ पर दिया गया है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए दिया गया है, पीजीटी के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है वो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए करना है आपको, तो यहाँ पर जो है वो आप लोग क्लिक करके और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, यहाँ जो है पीजीटी के लिए आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डिटेल में अगर एडवर्टीजमेंट दोबारा देखना चाहते हैं तो यहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट अगर हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देखें। तो ये मैंने पूरा ऑफिशियल आपको सारी चीजें जो है वो समझा दी है। 31 जुलाई लास्ट डेट है, यदि इंटरेस्टेड है तो आप लोग जरूर भरिएगा, गवर्नमेंट जॉब है। थैंक यू।